कासगंज के अमापुर कस्बे में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोगों ने गुरुजनों का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। स्कूल विद्यालय महाविद्यालयों में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। उन्हें आदर्श शिक्षक बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने व उनके बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। कस्बा में बैकुंठी देवी राष्ट्रीय शिशु सदन, मदर टेरेसा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, गोविंद सिंह शिक्षण संस्थान SN पब्लिक स्कूल, मक्खनलाल इंटर कॉलेज, मीरा देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज सहित आदि विद्यालयों में सोमवार को शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुजनों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में शिक्षकों का फूल माला पहना और शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य रामजीलाल वर्मा व जागन सिंह सोलंकी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की जानकारी दी। विधायक हरिओम वर्मा ने कहा कि हमारे समाज में गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा आदि काल से ही दिया गया है। दरवेज फौजी ने कहा कि शिक्षक का कार्य ही समाज में उन्हें सम्मान व पहचान दिलाता है। आज देश में शिक्षक दिवस है। शिक्षक इस धरा पर एक सुधा का कार्य करता है। शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। अतः शिक्षक की महत्ता आदिकाल से रही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अतः जो गुरु परंपरा हमारी रही है उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज ऐसे शिक्षक दिवस से भारत भूमि गुरुओं की भूमि रही है। गुरु ईश्वर समतुल्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरु के संबंध में हमारे जितने भी साहित्यकार हुए बहुत कुछ कहा है और गुरुओं की देन है कि भारत भूमि जब जब बाह्य लोगों से प्रताड़ित की गई है उनके लिए गुरुओं ने ही उत्साहवर्धन के माध्यम से शिष्यों में उत्साहवर्धन के माध्यम से देश को आज़ाद कराया है। इस मौके पर हमारी परम पूजनीय आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिन्होंने शिक्षकों के लिए अपना जन्मदिन समर्पित किया और शिक्षकों का मान सम्मान दिलाया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।